हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर, यू वॉच मोटर ऑफ इंडिया। भाई सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, ये आर1 भाई यामा की है और हम आए हुए हैं हर्सेल मोटर यामा जो कि निजामपुरा में है। डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चेकआउट कर लेना। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपको और बताएँगे इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, क्या इसकी प्राइस होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट से। इस तरह से आपको इसका फ्रंट मिल जाएगा, ये DRLs मिल जाते हैं यहाँ पर और बीच में आपको हेडलैम्प मिल जाएगा, सिंगल प्रोजेक्टर रहेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको बेसिंग मिल जाएगी, यहाँ पे नंबर प्लेट का प्लेसिंग और ये दो मिरर्स मिल जाते हैं आपको। टायर साइज की बात करें 180/17 इंच का आपको टायर मिलने वाला है फ्रंट का, जो कि ब्लूइश कलर में इसका व्हील मिलने वाला है और ये डुअल चैनल ABS डिस्प्ले के साथ में आता है। फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिलने वाले हैं आपको और इस तरह से दिखने वाला है, डुअल चैनल ABS के साथ में। ये कंप्लीट आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल रहने वाली है। जगह जगह पे आपको ये जो कलर पर्टिकुलर देख रहे हो, ये ब्लू कलर में यहाँ पे R15 देखिए, यहाँ पे बैचिंग मिल जाएगी, क्विक शिफ्टर और ये इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में आपको हजार लाइट के साथ में ही मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल गाड़ी की लेंथ है। गाड़ी का पूरा जो वेट है वो है 140 kg का और 11 लीटर का आपको बड़ा सा फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको ऊपर से फाइबर मिलेगा और अंदर आपको मेटल की कवरिंग मिलेगी। तो इस तरह से ओवरऑल आपको डिजाइन मिल जाएगा इसका। यहाँ पे बड़े से जो कवरिंग किए गए हैं और यहाँ पे इंजन भी इसके अंदर ही मिलेगा, लिक्विड कोल्ड इसमें इंजन मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये इस तरह से, और ये प्लास्टिक का अच्छा खासा यूज़ किया है चारों तरफ से इंजन को कवर करने के लिए। तो जब भी आप यहाँ से बैठते हो तो इस तरह से आपके मतलब जो भी हीट जो इंजेक्शन होता है, जो एयर आती है, वो आपके पैर पे या आपकी बॉडी पे नहीं आएगा, तो पासन होके पीछे जाएगा डायरेक्ट, तो वो काफ़ी सही है। इस तरह से ये फ्यूल मिल जाता है यहाँ पर पीछे के ब्रेक्स के लिए। सीट कुछ आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको ड्राइवर और ये पैसेंजर के लिए, इसको आप ओपन भी कर सकते हो यहाँ से। अब चलते हैं इसके पीछे और इस तरह से आपको बैक प्रोफाइल मिलने वाली। इंडिकेटर यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, यहीं पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग मिलेगी आपको, रिफ्लेक्टर और ये टेल लाइट्स कुछ इस तरह से। सिंगल स्टैंड इसमें आपको मिलने वाला है, डुअल स्टैंड नहीं आएगा। तो ये गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड, यामा का लोगो मिल जाता है इस तरह से और ये आपको MID मिल जाती है। कंप्लीट डिजिटल LED मिलने वाली है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, टाइम बताता है, माइलेज बताता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएगा। गियर वगैरह भी आपको यहाँ पे बताएगा और यहाँ पे कंट्रोल्स ये सारे मिल जाते हैं और इधर स्टार्टर मिल जाता है। तो ये सब बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है आपको, ताकि ये हाई स्पीड पे एयर को कंट्रोल रखेगी आपके बॉडी पे आने के लिए। इंजन की बात करें तो 155 cc का इंजन इसमें मिलता है और जो कि 18 हॉर्स पावर की पावर और 14 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करने वाली है। तो इंजन काफ़ी दमदार है और इस सेगमेंट में बहुत ही दमदार गाड़ी है। मतलब इसका जो कॉम्पिटिशन होता है वो KTM के साथ में होता है और एक CBR करके है होंडा की, उसके साथ में होता है, तो बहुत सही है। कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे भी आपको डिस्प्ले मिलते हैं, सस्पेंशन जो मिलते हैं लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिंक टाइप मोनोक्रॉस और यहाँ भी आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। तो ओनली जनरली क्या होती है, ओनली सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, बट ये बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली है, जैसे कि आप फ्रंट में देख सकते हो यहाँ पर और सेम एजिट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हो। 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसमें मिल जाता है बड़ा सा, तो वहाँ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे के टायर की बात करें तो इसका जो टायर प्रोफाइल है वो आपको रहने वाला है 140/17 इंच का, मतलब इसकी प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा रहेगी। टायर की साइज़ मतलब सेम है, एग्जैक्ट 17 इंच का ये भी है वो भी है, बट यहाँ पर आपको पीछे के टायर में आपको प्रोफाइल ज़्यादा मिल जाएगी, मतलब उसकी ब्रॉडनेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। जनरली यही होता है टू व्हील्स में और जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, आगे के टायर्स पतले दिए जाते हैं थोड़े और पीछे के टायर्स आपको थोड़े बड़े दिए जाते हैं इस तरह से। तो सीटिंग का कंफर्ट भी काफ़ी ठीक है, मतलब काफ़ी, हालांकि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो उस तरह से कंप्लीट डिजाइन के एरोडायनामिक आपको मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा यूथ की फेवरेट बाइक है
इस सेगमेंट में, और इसी वजह से ये इसके अपने नाम से बिकती है। कलर्स ऑप्शन आपको इसमें 3 से 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से उठा सकते हो कोई भी। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो प्राइस जो इसका एक शोरूम पड़ने वाला है आपको 1,88,000, ऑलमोस्ट लगभग 89 है राउंड फिगर लगाएं तो। ऑन रोड की बात करो तो लगभग लगभग आपको 2 लाख से क्रॉस चली जाएगी, जब आपको एक शोरूम लगभग 2 लाख है, 1,90,000 है, तो ऑन रोड 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। और माइलेज 40 to 45 का क्लेम करती है कंपनी, बट मेरे हिसाब से 35 से 40 का एवरेज आराम से देती होगी। कोई इंजन ज़्यादा बड़ा नहीं है, गाड़ी में वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपको फाइबर यूज़ किया गया है, तो इस वजह से आराम से आपको माइलेज निकाल के दे सकती है 40 से 45 का। ऑयल की बात करें तो ऑयल आपको इसमें 1.2 लीटर का ऑयल जाएगा वन टाइम सर्विस पे। वारंटी 2 ईयर की आपको यामा देता है, और 3 ईयर की आप एक्सटेंड करवा सकते हो अगर आपको एक्सटेंड करवानी है तो, नहीं तो 2 ईयर की तो आप जब गाड़ी लेते हो तो उसके साथ में ही आपको वारंटी मिलने वाली है। तो इस तरह से ओवरऑल आपको मिलने वाली है यामा की R15। इसमें कलर्स ऑप्शन काफ़ी मिल जाते हैं, और कुछ वेरिएंट में भी आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, तो आप चेकआउट कर सकते हो शोरूम पे आके, और जो भी आपका कंसर्न है शोरूम पे कॉल करो, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट कंसर्न किया जाएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।